بسم الله الرحمن الرحيم. سلام 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 يا حسين، سلام 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 يا حسين، سلام 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 يا حسين، سلام 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 يا حسين. الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين على محب الغرباء الفقراء المساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين إمام الحرمين جد الحسن والحسين صاحب قاب و قوسین امامه مشارق و مغارب و بدن الصابر و لسان الذاکر و قلب الشاکر و الامهات الطواهر الذين ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا جلالتهم وولايتهم وشجاعتهم وتشم اجمعين فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر شافع یوم محشر و مالک حوض کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم وفي قران المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات پڑھ دیں محمد وال بزرگان عزیز برادران ملت ظاہر ہے یہ مجلس جو ایک ایصال ثواب کے لیے برپا کی گئی ہے عنوان کلام کے طور پر جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو اس لیے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں یہ بظاہر کہنے میں ایک بہت مختصر سا جملہ اور مختصر سی آیت ہے لیکن اگر تفصیلات میں جائیے تو مکمل طریقے سے اس میں پیغام ہے عوام کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو اگر یہ بات یہاں تک ہوتی تو شاید بندہ یہ سوچتا
कि अल्लाह अपनी वहदानियत और अपने खुदा होने का ऐलान कर रहा है कि मुझसे दुआ करो। लेकिन परवरदिगार ने जहां ये जुमला कहा कि तुम मुझसे दुआ करो, क्यों दुआ करो, अस्तजिब लकुम, इसलिए कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह अपने खुदा होने का ऐलान नहीं कर रहा है, बंदों की आबरू बचाने की बात कर रहा है। और यहीं से एक जुमला इस्तेमाल करके मजलिस आगे बढ़ा दूं। देखिए, जब बड़ा अपने छोटे से मांगे और तो उसको हुक्म कहा जाता है, और जब छोटा अपने बड़े से मांगे तो उसको दुआ कहा जाता है, और जब दोनों हम मनसब, हम उम्र और हम सिन्फ जब आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं तो उसको इल्तिजा और गुजारिश कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से परवरदिगार ये कहता है कि मुझसे दुआ करो, ये उसका हुक्म है कि मुझसे दुआ करो, ये उसका हुक्म है। अब बंदा अपने बड़े के सामने हाथ फैलाए तो ये दुआ है, लिहाजा उसका हुक्म है, हम अपने लिए दुआ करते हैं। लेकिन एक मौजू है और एक लफ्ज है जहां तक मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि परवरदिगार ने हमसे क्यों कहा कि मुझसे दुआ करो, क्यों कहा? एक सवाल उठता है कि क्यों कहा गया हमसे कि मुझसे दुआ करो। आप मुझे हैरती निगाहों से ना देखिए, जहां से होगा वहां से मजलिसी माहौल बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि चंद जुमले आपकी खिदमत आलिया के हवाले करूं और आप यहां से कुछ लेके जाएं कि मुझसे दुआ करो। मेरे परवरदिगार, एक बात ये बता कि मुझसे दुआ करो, हमें क्या जरूरत है तुझसे मांगने की, क्या जरूरत है तुझसे मांगने की? मेरे परवरदिगार, जब हम इस दुनिया में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी नजर आती हैं जो तूने हमें बिन मांगे दी। तवज्जे, मेरे परवरदिगार, हमने मांगा नहीं था लेकिन तूने हमें बिन मांगे वो चीजें दी। आप कहीं और ना जाइए, अपने वजूद पे आ जाइए। मेरे परवरदिगार, हमने तुझसे कब कहा कि हमें पैदा कर? हमने कहा तो नहीं कि हमें दुनिया में भेज। मेरे परवरदिगार, हमने कहा तो नहीं कि हमें पैदा कर दे। नहीं मेरे परवरदिगार, हमने मांगा नहीं है। वो एक अलग बात है कि हमारे वजूद को हमारे वालदैन ने मांगा। खुदा के लिए थोड़ा सा जुमलों की तरबियत को देख ले, और यहीं से जुमला हवाले कर रहा हूं। हमने नहीं कहा कि परवरदिगार हमें दुनिया में भेज। वो एक अलग बात है कि हमारे वालदैन ने हमारा वजूद मांगा, हमारी पैदाइश के लिए दुआ की, हमारी विलादत के लिए मन्नतें मांगी। हमारे वालदैन ने हमें मांगा है, हमने नहीं मांगा। हमने नहीं कहा हमें दुनिया में भेज। आवाजें परवरदिगार आती है। एक बात की इसाले सवाब की मैं इसे ना जुमला हवाले कर रहा हूं, का यही तो फलसफा तुम्हें समझाना चाहता हूं। इंसान को जो चीज बिना मांगे मिलती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। जो चीज उसे मांग के मिलती है, इंसान उसकी कदर करता है। यही वजह है हमें अपना वजूद बिना मांगे मिला है। इसलिए हमें इस वजूद की सलाहियत का इल्म नहीं है, लेकिन हमारे वालदैन ने चूंकि हमें मांगा है, लिहाजा वालदैन कोशिश करते हमारा बेटा गलत जगह पे ना बैठे, हमारा बेटा गलत बातें ना बोले, इसलिए कि मांगा उन्होंने था, हमने कब मांगा? मेरे परवरदिगार, हमने नहीं कहा। और मेरे अजीजों, ऐसे नहीं, लफ्जों की नजाकत को पहचानिएगा और जुमला अपने घर तक ले जाइएगा। इंसान जो चीज मांग के लेता है, इंसान उसकी कदर करता है। जो चीज उसे बिन मांगे मिलती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। यह एक अलग बात है। इंसान सलाहियतों में, इस्मत में उस पैराए पर पहुंच जाता है, लेकिन उस इस्मत और सलाहियत के बावजूद उसे इरफान नहीं हो पाता। तब
तवज्जे इरफान नहीं हो पाता। एक जुमला हवाले करूं मैदान करबला से, करबला के मैदान में सरकार हुसैन इब्ने अली ने जब अली अकबर को हवाले किया और हवाले करते किया, अली अकबर ने पलट के पूछा, बाबा आप मुझे रुख्सत कर चुके हैं, फिर आप मेरे पीछे क्यों आ रहे? इमाम हुसैन ने क्या जुमला कहा? बेटा काश के तुम साहिबे औलाद होते। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमने तो नहीं मांगा, हमने कब मांगा कि मेरे परवरदिगार हमें पैदा कर, लेकिन हमारे परवरदिगार ने हमें वजूद दिया। ए मेरे परवरदिगार, जब हम देखिए तकरीर जहां तक जा रही है वहां तक जाने दीजिए। मेरे परवरदिगार, हम जब शिका में आते तो जितनी गर्मी दूध को जिंदा रहने के लिए चाहिए थी, तूने उतनी गर्मी मां के शिकम में बरकरार रखी ताकि हम जिंदा रहें। हमने ये गर्मी मांगी नहीं है, तूने हमें बिन मांगे दी। मेरे परवरदिगार, जिंदा रहने के लिए गजा की जरूरत है, शिकम मादर में तू हमें हमारी गजा पहुंचा रहा था, उस मां का खून हमारे जिस्मों में पहुंच रहा था, लेकिन वो खून बराह रास्त हमारे मुंह से मुंतकिल न हुआ, बल्कि मां के जरिए से वो खून बजरिए नस हमारे जिस्मों में आया। मेरे परवरदिगार, गिज़ा देनी थी, हमारे मुंह में खून को उतार देता। आवाज परवरदिगार आती है, इतना भी नहीं जानते, हम तुम्हें जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदा रहने के लिए तुम्हें गिज़ा की जरूरत, अगर हम तुम्हारे मुंह पे खून ले गए तो खून नजीस है। अगर गुफ्तगु पहुंच रही है तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ जा रही है, तवज्जो चाह रहा हूं, तुम्हारा दहन नजीस हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि जब तुम दुनिया में आओ तो मेरा जिक्र उस दहन से करो कि जो नजीस गजा खा चुका है। मैं कहां से तकरीर ला रहा हूं और वो जाविया देखिएगा और आगे बढ़ जाइए। मेरे परवरदिगार, हम दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद तूने वही खून बजरिए शीर मादर, काश मेरा जुमला आप तक पहुंच जाए, बजरिए शीरे मादर हमारे शिकम हमारे मुंह तक पहुंचाया। मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता तो उस शीरे मादर को खून ही की जगह पे हमारे मुंह में पहुंचा सकता था। आवाज आई, नहीं, इस खून का जिंस बदल देंगे। बजरिए शीरे मादर, तुम्हारे होटार ऐसा कर क्यों रहा है? का कर इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें नजिस खाने की आदत ना हो। अब तुम आलमे शऊर में आ गए तो हराम गिज़ा इस्तेमाल न करना, वरना रोज़े कयामत तुमसे सवाल किया जाएगा, जब तुम बेशऊर थे तब हमने तुम्हें नजिस न खिलाया, अब आलमे शऊर में आ गए हो तो पूरा शिकम भरा हुआ है। आवाज से आवाज मिला के बोलिएगा, यही वजह है हुसैन ने बदीले दिए हैं और हर खुतबे का असर चाहने वालों पे न हुआ। जब हुसैन से पूछा गया, मौला आपकी तकरीरों का असर इन लोगों पे क्यों नहीं होता, हुसैन ने आवाज दी, जिसके शिकम हराम गजा से भरे हो उसको ये बात समझ में नहीं आती। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नजीस, और मेरे अजीजों, लिहाजा हमने तुम्हारे वजूद को बिना मांगे दिया। मेरे परवरदिगार, जब इतनी दौलत तूने हमको बिना मांगे दी थी तो मेरे परवरदिगार कहा क्यों जा रहा है कि मांगो? मेरे परवरदिगार, हमसे क्यों कहा जा रहा है कि मांगो? मेरे परवरदिगार, हमें मांगना नहीं है, लेकिन जब तूने हमें हमारा वजूद हमारा पूरा जिस्म बिना मांगे दे दिया तो हमसे क्यों कहा जा रहा है कि मांगो?
आवाज़ परवरदिगार आती है, सुनो मेरी ये कायनात सबके लिए है, अगर मैं ये ना कहता कि मुझसे तुम मांगो तो इस कायनात में कुछ शख्सियतें ऐसी भी थी। ترین سلوار پڑھے محمد و آل محمد پڑھے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، یہ میں نے اس لیے کہا اس لیے کہ اس کائنات میں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہ مانگو تو پوری زندگی گزر جاتی، یہ نہ مانگتے۔ صرف میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، اس پوری کائنات میں زندہ رہنے والے ہر زی روح کے لیے میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ مجھ سے تم دعا کرو، اس لیے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، اس لیے کہ یہ جملہ اگر میں نے نہ کہا ہوتا تو اس کائنات میں کچھ ہستیاں، کچھ شخصیتیں، کچھ اسبتیں ایسی بھی تھیں کہ جو پوری زندگی ایسے گزار جاتے، نہ مانگتے نہ مانگتے۔ یہی وجہ ہے ان اسمت کی کڑی میں سے چوتھی کڑی نے امام سجاد نے اپنی دعا میں ایک جملہ کہا، اے میرے پروردگار چونکہ تو نے کہا ہے اس لیے میں اس تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ میرے پروردگار تیرا حکم ہے جو تیرے سے دعا مانگ رہا ہوں، ورنہ پروردگار اگر یہ جملہ یہاں تک ہوتا تو شاید تاریخ دا لکھ دیتا کہ بڑے ہو گئے، اتنے بڑے امام ہو گئے کہ مانگنا بھی نہیں چاہتے۔ نہیں، امام نے اس کے بعد کا جملہ کہا، اے میرے پروردگار تیرا حکم ہے تو مانگ رہا ہوں، ورنہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری دعا تیری مشیت میں خلل انداز کا سبب بنے۔ توجہ جا رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری دعا تیری مشیت میں خلل انداز کا سبب نہ بنے۔ تو ہم مانگ اس لیے رہے ہیں کہ تیرا حکم ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار ہماری جانیں قربان، تو نے کہا ہم سے دعا کرو، لیکن مرحلہ کہہ تو دیا لیکن اب کرے گا کون؟ اس لیے کہ جب چھوٹا بڑے کو دیتا ہے تو دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، جب بڑا چھوٹے کو دیتا ہے تو طریقہ الگ ہوتا ہے، جب بھائی بھائی کو دیتا ہے تو طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہر جگہ پہ دینا ہے اور مانگنا ہے، جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو طریقہ الگ، جب بھائی بھائی سے مانگتا ہے تو طریقہ الگ۔ اگر بھائی خدا نہ خواستے باپ سے ایسے مانگ لے کہ جیسے بھائی سے مانگتا تھا تو باپ ناراض ہو جائے گا، اتنے بے شعور ہو، اتنے بدتمیز ہو کہ تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں پتا، ایسے بات کی جاتی ہے، ایسے مانگا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لحاظ کا مرتبہ ہے اس لحاظ کے مرتبے کے اعتبار سے نہ مانگا جائے تو وہ آدمی ناراض ہو جائے۔ تو پروردگار نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میرے پروردگار کہہ تو دیا لیکن اب وہ طریقہ کون سمجھائے کہ تیری بارگاہ میں آ کے ہم ہاتھوں کو پھیلائے؟ تو وہی جملے استعمال کیے جائے جو تجھے پسند ہے۔ کہا پریشان نہ ہونا، امیر کائنات تمہارے درمیان میں آ کے فلسفہ دعا سمجھا کے جائیں گے، تاکہ تمہیں اگر معصومین کی دعا میں ہمیں یہ جملہ ملے کہ پروردگار ہمارے گناہ کو معاف کر دے، تو یہ نہ سوچ لینا کہ یہ اپنے گناہ معاف کروا رہے ہیں، نہیں، یہ ہمیں سلیقے دعا سکھا رہے ہیں۔ اگر ہمارے معصومین یہ دعا کریں کہ پروردگار میری پریشانی کو حل کر دے، تو یہ نہ سوچنا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی میں مبتلا ہے، یہ پریشانی سے حل باہر نہیں آ سکتے، بلکہ ہمارے لیے فلسفہ دعا سکھا رہے، جب بھی مانگو تو ایسے مانگو۔ اور میرے عزیزوں، ایک رخ پیش کر کے میں تقریر کو باب فضائل میں پیش کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو۔
ताकि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूं। इस दुनिया में जब तक आदमी जिंदा रहता है हमेशा लोग उसकी कद्र करते हैं, हमेशा उसका एहतराम होता है, लेकिन जैसे जिस्म से रूह निकली वो आदमी इस मंजिल पे नहीं रहता कि उससे ज्यादा देर उस बस्ती में या उस जगह पे रखा जाए। जो लोग उससे मिलने की तमन्ना करते थे अब वो इस बात की तमन्ना करते हैं कि इसे जल्द अज जल्द गुस्लो कफन दे के मिट्टी के हवाले कर दिया जाए। मेरे परवरदिगार तवज्जे तवज्जे, मेरे परवरदिगार ये जिंदा है तब हमने इसको चाहा, अब ये मर चुका तो अब हम इसको मिट्टी के हवाले करें या ना करें, लेकिन हुक्म इलाही ये है कि जैसे किसी का दम निकले फौरन उसे जल्द अज जल्द मिट्टी के हवाले कर दो, सवाब है। मेरे परवरदिगार क्यों का आवाज इसलिए दे रहा हूं कि जो आदमी तुम्हारे लिए जब तक जिंदा था सबब रहमत बना हुआ था, अब इसके जिस्म से रूह निकल चुकी है नहीं है, अब ये सबब जहमत बन जाएगा, अब इसको या तो मिट्टी के हवाले करो वरना इसके जिस्म से इस तरीके की बू आएगी कि इलाके वालों का रहना दुश्वार कर देगा। हम नहीं चाहते कि जो मेरा बंदा इस दुनिया से जाए उसके जिस्म की बेअदबी हो, बेहुर्मती हो। वहरे परवरदिगार, जो परवरदिगार हमारे मरे हुए जिस्म की बेहुर्मती को बर्दाश्त न करे, वो परवरदिगार किसी जिंदा आदमी की गीबतें सुन के उससे कैसे खुश हो जाएगा। अब यहां तक बात आ गई, एक जुमला और हवाले करो। जैसे ही हम मरे, उलमा बैठे हुए हैं, दानिश्वरान बैठे हुए हैं, और आप मजलिसी मजमा मेरे सामने हैं, मुझसे बेहतर खुतबा को सुन रखा है, तवज्जो चाह रहा हूं। जैसे ही हमारे जिस्म से रूह निकली फौरन का जल्दी से इसे गुस्लो कफन दो, जल्दी से इसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ, जल्दी से इसके जनाजे के पीछे चलो, और चलो नहीं बल्कि जितना तुम इसमें अपना अंजाम दोगे उतना सवाब हम तुम्हारे नामा आमाल में दे देंगे। ये अगर गुस्लो कफन दे रहे हो उसका भी सवाब, जनाजा नमाज जनाजा पढ़ रहे हो उसका सवाब, नमाज जनाजा के पीछे चल रहे हो जनाजे के पीछे चल रहे हो उसका सवाब, मिट्टी कब्रस्तान जा रहे हो उसका सवाब, मिट्टी दे रहे हो उसका सवाब। मेरे परवरदिगार मस्जिदों में रह के तस्बीह पढ़ते तब सवाब देता तो समझ में आता, एक बंदे को मिट्टी के हवाले करके उसके जिस्म पे मिट्टी डालने को सवाब क्यों बना दिया। कहा मैं परवरदिगार हूं, मैं रहीम हूं, कहीं मेरी बारगाह में मरने वाला आदमी ये ना कहे कि परवरदिगार हमने जिंदगी भर जिसने भी मेरे साथ एहसान किया, जिसने भी मेरे साथ एहसान किया, मैंने उस एहसान की जजा किसी भी शक्ल में दी हो, और अगर किसी शक्ल में नहीं दी तो लफ्ज़े शुक्रिया तो कहा, लेकिन परवरदिगार मैं तो मर चुका, अब ये लोग मेरे जनाजे में आए हैं, ये मेरे जनाजे के पीछे चलेंगे, ये मुझे मिट्टी देंगे। मेरे परवरदिगार काश के मैं जिंदा होता जो आने वालों का शुक्रिया अदा करता। आवाजें परवरदिगार आती है, खबरदार जब तुम मजबूर हो जाते हो अल्लाह मुख्तार हो जाता है। अब हम बताएंगे, अब तुम नहीं बोल सकते ना, अब तुम्हारी जबानों पे ताले लग गए, कुवत छीन ली गई बोलने की, अब तुम नहीं बोल सकते, अब हम लफ्ज़े शुक्रिया अदा करेंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, अब हम शुक्रिया अदा करेंगे। जनाजे में आए हो इतना सवाब,
نماز جنازہ پڑھاؤ اتنا ثواب، جنازے کے پیچھے چلو اتنا ثواب، مٹی ڈالو اتنا ثواب۔ اے میرے پروردگار یہ ثواب کیوں بنا رہا ہے؟ کہا میں پروردگار ہوں، کل کوئی بندہ بندے کی قبر پہ مٹی ڈال کے یہ نہ کہے کہ پروردگار اگر ہم نہ ہوتے یہ دفنایا نہ جاتا، ہم نے ثواب دے کے بتایا، تم نے فری میں کسی پہ مٹی نہیں دی، ہم نے ثواب دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، اس لیے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ سے مکمل طریقے سے راز و نیاز کر لیتا ہے وہ پھر رہتا اس دنیا میں ہے۔ مجلس کو باب فضائل میں ڈال دیں تاکہ، ورنہ مجلس پوری خشک ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک لقمہ حرام کے قریب رہو گے کبھی اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور جیسے ہی لقمہ حرام سے دور چلے جاؤ گے امامت بھی سمجھ میں آئے گی، اجتہاد بھی سمجھ میں آئے گا۔ توجہ، یہ لقمہ حرام ہے کہ جو نہ عصمت سمجھ میں آتی ہے، نہ امامت سمجھ میں آتی ہے، نہ اجتہاد سمجھ میں آتا ہے۔ پروردگار نے پوری زندگی عالم بے شعوری میں ہمارے جسموں کو حرام غذا سے بچایا، اس لیے کہ حرام غذا کے اثرات بڑے غلط ہوتے ہیں۔ اگر حرام رقمہ تمہارے منہ میں چلا گیا، کوئی بھی خطیب آ جائے، مجلس اچھی پڑھ کے چلا جائے گا، تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام غذا بھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک حور یزیدی لشکر سے تنخواہ پا رہا تھا، لجام حسین پہ ہاتھ ڈال دیا، جیسے حسین کے ہاتھوں پانی پیا عصمت کا کلمہ پڑھنے لگا۔ لقمہ حلال، اور لقمہ حلال یہاں تک ہے، میرے نوجوان بیٹھے ہوئے مجلس میں زیادہ تر، ایک جملہ کہہ دوں یہیں سے، میری قوم کے نوجوانوں، کبھی بھی کسی کے گناہ کی کثرت کو دیکھ کر اسے گنہگار نہ کہنا۔ اور میں نے یہ جملہ کسی موقع پہ کہا تھا، یا تو میں پہلی بار آیا ہوں، کہ خود خدا نہ بنیے، خدا اسے رہنے دیجئے، خود فیصلہ نہ کریے، بڑا گنہگار۔ اسی لیے اسلام میں غیبت کو سب سے زیادہ حرام اسی لیے رکھا کہ تم نے ہماری غیبتیں کی، اس وقت ہمارے پاس تھا یہ عیب، اتفاق سے ہم نے معافی مانگ لی، ہمارے پروردگار نے تو ہمیں معاف کر دیا، لیکن وہ جو تم نے ہماری غیبتیں کر کے ہمارے عیبوں کی نمائش کی ہے، تو گنہگار کون ہوا؟ تو میری قوم کے نوجوانوں، کسی کے گناہ کی کثرت کو دیکھ کر اسے گنہگار نہ کہنا۔ پوری مجلس بھول جانا، میرا یہ جملہ نہ بھولنا۔ میں ایک واقعہ سنا دوں تاکہ مجلس آگے پہنچ جائے۔ ایک قوم جو لوگ زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، انہیں یہ واقعہ زیادہ تر علماء نے بھی لکھا ہے، اور جو نہیں گئے ہیں وہ جب قوم جائیں، ایران جائیں، تو کسی سے معلوم کریے گا کہ رسول ترک کی قبر کہاں، رسول ترک کا وہاں پہ روزہ ہے، قبر ہے، آپ اس پہ جائیے گا، اور ان کی پورے حالات جو ہے وہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، علماء نے بھی لکھے ہیں، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول ترک کے لیے یہ ملتا ہے، ایک نمبر کا بدماش، ایک نمبر کا مکمل طریقے سے غلط آدمی، آپ کی زبان میں کہا جائے تو دو نمبر کا آدمی، بس اب آپ اپنے اعتبار سے اس دو نمبر میں ڈال لیجئے گا۔ لیکن پورے سال غلط کام کرتا تھا اور بدماشی کرتا تھا، لیکن اس کا ایک اصول یہ تھا کہ محرم میں 10 دن یہ بدماشی نہیں کرتا تھا، نہیں بدماشی چھوڑ کے مجلس میں آ جاتا تھا۔ دیکھیے گا، میں کوئی بات اپنے سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ خطابت کی زد میں پڑھ رہا ہوں، آپ معلوم کر لیجئے گا۔ قم میں روزہ ہے، مقبرہ ہے، لوگ جاتے ہیں فاتحہ کے لیے۔ رسول ترک یہ کہتا ہے کہ میں
पूरे सारे हराम काम अंजाम देता था, लेकिन इत्तेफाक से 10 दिन में मजलिस में जाके बैठ, जैसे ही चांद रात हुई अज़ा खाने में आ जाता था। अब जाहिर है कि इलाके का बदमाश, इलाके का दो नंबर का आदमी और फर्श अज़ा पे बैठ गया आके। अब जैसे ही फर्श अज़ा पे बैठा, मजलिस अपने गिरेबान में मुंह डाल के सुना करिए, तवज्जो चाह रहा हूं। जैसे ही वो गलत आदमी फर्श अज़ा पे आया, हर एक आदमी ने कोहनी चलानी शुरू की, बतला ये आदमी फर्श अज़ा पे आया, ये आदमी फर्श अज़ा पे आया, बतलाइए इसका क्या फायदा है, इसको तो फर्श अज़ा भी कुछ नहीं दे सकती, इतना गलत आदमी है, मानता नहीं है, बस 10 दिन आ जाता है चला जाता है। सारे लोगों ने मिलके अंजुमन के सदर साहब से शिकायत करी, उस जमाने का सदर पढ़ा लिखा था, आज के जमाने के सदर बिल्कुल अलग है, आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके पास जितने बंदे वो उतना बड़ा ओहदे वाला, देखिए कह के नहीं पढ़वाया जा रहा, लेकिन ये एक दरमियान में बात आ गई, लेकिन उस जमाने का जो उलमा ने लिखा कि काबिल बासलाहियत इलाके का जिम्मेदार पढ़ा लिखा मुत्तकी दीनदार परहेजगार जिम्मेदार है, सरपंच है, सारे के सारे लोग उसके पास गए और जाके कहने लगे कि भाई ये जो गलत आदमी आता है इसको मजलिस से रोका जाए, बहुत सारे लोग जो है वो आपस में कोहनियां चलाते हैं। तो उन्होंने कहा करना क्या है, कहा कि इसे हटाइए और इससे कहिए कि भैया मजलिसों में ना आया करो। अब जाहिर है कि सदर साहब ने खुद तो नहीं कहा, अपने किसी चाहने वाले से कहा कि रसूल तुर से कह देना कि कल से मजलिस ना आए। सुनिएगा ये वाकया और घर तक ले जाइएगा, हमारी और आपकी मजबूरी ये हो गई है कि हम घर की सियासत फर्श अज़ा पे ले आए और यहां की बातें घर पे नहीं ले गए। लिहाजा जो है वो जैसे ये मजलिस खत्म करके बाहर पहुंचा, बाहर उस बंदे से मुलाकात हुई, कहा खैरियत, कहा कल से मजलिस में ना आइएगा। मजलिस में ना आए, कहा हाँ, इसलिए कि आपकी मजलिस की वजह से लोगों में चेमी गोइया होती थी। वाकया लिखा हुआ है कि ये रोने लगा और रो के कहने लगा, मौला मैं तो आपको रोने के लिए आता था, और अब इन्होंने, ठीक है मैं गलत काम करता हूं ये मैं जानता हूं, लेकिन मौला मैं तो आपको रोने के लिए आया था, इन्होंने मुझे ये कह दिया कि कल से मजलिस ना आना। उसने कहा कि भाई अगर मेरे आने की वजह से तुम लोगों में इख्तलाफ होता है तो ठीक है, मैं जो है वो मजलिस नहीं आऊंगा। ये अपने घर गया, घर जाने के बाद इसने दरवाजा बंद कर लिया। अब जो भी हुसैन से लो लगाई हो, जो भी हुसैन से दुआ मांगी हो, जो भी कहा हो, वो उलमा ने लिखा, कुछ उलमा ने यहां तक लिखा, उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जव्वादी मरहूम अल्लामा मकामा, उन्होंने ये लिखा कि जिस रात मजलिस हुई थी उसी रात, और बकिया उलमा ने लिखा है कि नमाज सुबह के बाद, जैसे ही रात गुजरी मजलिस हुई फौरन जो है वो सदर साहब जो है वो खुद उसके दरवाजे पे पहुंच गए और दरवाजे पे पहुंच के कहने लगे आपको मजलिस चलना है, आपको फर्श अज़ा पे बैठना है। रसूल तुर कहता है कि रात में भगाने वाला आदमी सुबह में इस तरीके से बुलाने आएगा, इसका जब तक राज ना बताओगे मैं फर्श अज़ा पे नहीं जाऊंगा। अब पता नहीं क्या इसने इमाम से मुआहिदा कर रखा था जो कुलवाना चाह रहा था। कहने लगा कि नहीं नहीं बस छोड़िए सारी बातें, पिछली और बात की सब कुछ छोड़िए, बोर तो नहीं हो रहे आप, सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये कहता है ये दरमियान में वाकई आ गया, ये कहता है कि जब तक इल्लत ना बताओगे फर्ज अज़ा पे नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा छोड़ो सारी बात, कहा नहीं वजह तो बतलानी पड़ेगी, कहा असल में देखो जब मैं रात में मजलिस करके घर पे गया, सदर साहब कह रहे हैं जिम्मेदार दीनदार मुत्तकी पारसा परहेजगार, ये आदमी कहता है कि जब मैं रात में सोया
तो मैंने देखा कि बिल्कुल मैं कर्बला में हूं और कर्बला में हर एक आदमी को मैं सलाम कर रहा हूं, हर एक आदमी मुझे जवाब दे रहा है, सदर साहब कह रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक से मैंने देखा कि इमाम हुसैन का रोजा है, मैंने कहा कि चलूं मौला से भी मुलाकात कर लूं। जैसे ही मैं इमाम हुसैन के रोजे पे पहुंचा, इत्तेफाक से वहीं से कुत्ता आया और वह दरमियान में हायल हो गया। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरी तरफ झपटता है, वो मुझे अंदर जाने ही नहीं देता। ये कौन कह रहा है? सदर साहब कहते हैं कि मैं अंदर बढ़ना चाहता हूं लेकिन वो कुत्ता मुझे जो है वो बढ़ने नहीं देता। अब यही बात रहने दो, कान नहीं, बात पूरी बतलाओ, आधी नहीं चलेगी। कहा यही रहने दो, कहा नहीं पूरी बतलाओ। कहा पूरी बात यह है, जब मैंने उस कुत्ते को बगौर करीब जाके देखा तो वो कहने को कुत्ता था मगर शबाहत तुम्हारी थी। पहुंचे वहां तक, खिताबत का रंग नहीं है, वाकये की नजाकत है, पहचान है जो इमाम हुसैन के रोजे में और अंदर नहीं जाने दे रहा। उस कुत्ते में जब मैंने बगौर देखा तो तुम्हारी शबाहत, यानी कौन? वही बदमाश आदमी, उसकी शक्ल। ये खुश होके कहने लगा, मेरे मौला ने मेरी बाल ली, तवज्जे, मेरे मौला ने मेरी बाल ली। कहा क्यों? कहा जब मैं फर्श-ए-अज़ा से उठ के चला था तो मैंने इमाम से कहा था, मौला अगर मैं आपका आज़ादार नहीं बन सकता, आपके रोजे का कुत्ता तो बन सकता हूं। मेरे मौला ने मेरी सुन ली। और मेरे अजीजों, जब इसने वो वाकया सुन लिया, उसके बाद कहा जाता है कि रसूल तुर्क ने इस तरीके से अपना मुकम्मल तरीके से किरदार बदला कि उससे कभी भी नमाज शब कजा ना हुई। तुम में मालूम कर लीजिएगा, जाके सूरह फातिहा पढ़िएगा, नमाज शब कजा ना हुई और बंदगी की उस मंजिल में जा पहुंचा, बंदगी की उस मंजिल में जा पहुंचा कि मरने से पहले लोगों को इकट्ठा करके कहता है, लोगों अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, मेरा इंतकाल फला जगह पे होगा, फला वक्त होगा। इसका मतलब यह है, अगर इंसान दुआ और तौबा दिल से मांगे, अल्लाह भी खुश हो जाता है, इमाम भी खुश हो जाते हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद, बहुत आसान है आज के दौर में यह कह देना कि हम मौला वाले। अब मेरे पास उधर जाने का मौका नहीं है, वरना इमाम अली ने हमारा चाहने वाला हो वो होगा जो लफ्जी होगा, बस अली 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 अली, बस लफ्ज जबान पे चढ़े, बस अली अली। एक चाहने वाला इमाम फरमाते हैं ये है, और एक हमारा चाहने वाला वो होगा जो लोगों के सामने तो अली वाली बात करेगा लेकिन तन्हाई में वो करेगा जो अली को पसंद नहीं है। ये भी इमाम ने फरमाया, एक मेरा चाहने वाला वो भी है। और यकीन ना आए तो देख लीजिएगा कि मजलिसों में, महफिलों में बैठकर नारे हैदरी लगाना बहुत आसान है, खलवत में मोबाइल पर वही चीज देखना जो अली चाहते हो, ये कमाल है। एक वो है जो वाकई बहुत बड़े अली वाले हैं, लेकिन खलवत में तन्हाई में वो करेंगे जो अली वाले पसंद नहीं करते। इमाम फरमाते, तीसरा गिरोह वो है जो अलानियन व सिर्रियन, जो लोगों के सामने भी वही करेंगे जो अली ने चाहा है, और जो तन्हाई में जाएंगे तब भी वही करेंगे जो अली ने चाहा है। चाहे बाजार में हो तब भी अली वाला काम, चाहे तन्हाई में हो तब भी अली वाला काम। अब न दोगे मीसम को दुआ, अब न पढ़ोगे मीसम के फजाइल, खजूर की दुकान पे बैठा तो भी अली के फजाइल, दार पे पहुंच गया तब भी अली के फजाइल।
یہ ہے علی کا چاہنے والا۔ مسجد کے کبوتر بن جانا بہت آسان ہے۔ مرزا محمد اطہر صاحب کا جملہ کہ مسجد کے کبوتر بن جانا بہت آسان ہے۔ کون مسجد کے کبوتر؟ وقت سے پہلے مسجد، اذان سے پہلے مسجد۔ اور اگر کسی دن مولانا صاحب اگر نماز پڑھانے نہ آئے، آدمی واویلا بچا دیتا ہے۔ جتنا حکم تم اپنے امام جمعہ پہ چلاتے ہو، اتنا حکم اپنے گھر پہ چلاؤ تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ میں یہ بات خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں عمر کی اس منزل پہ نہیں ہوں کہ آپ کو نصیحت کر سکوں، لیکن تجربے بہت بڑے بڑے ہو چکے ہیں کہ جتنی آنکھیں اور جتنے کان کھول کے تم اپنے امام کو دیکھتے ہو، اتنی آنکھیں اور اتنے کان کھول کے اپنے گھر کی خواتین کو دیکھ لیا کرو، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ جملہ کوئی اپنے اوپر نہ لے، ہمیشہ اپنے عالموں کی قدر کرو، عالموں کی قدر کرو۔ جب تک عالم کے پیچھے چلو گے زندہ رہو گے، اگر عالم کے آگے آگے نماز جنازہ ہو جائے گی۔ قدر کریے، احساس پہچانیے۔ لہذا مسجد کے کبوتر بنے ہوئے، اگر کسی نے مولانا صاحب نہ آئے تو بس، چاہے عذر شرعی کیوں نہ ہو مولانا کے پاس۔ یہ ہر ایک آدمی واویلا بجا، مولانا صاحب نہیں آئے، ہم نماز پڑھنے آئے تھے۔ ہم نے کہا ایک نمبر کے نمازی ہیں، ایک نمبر کے دیندار ہیں، ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی، ان کی اذان قضا نہیں ہوتی، ایک نمبر کے نمازی مسجد کے کبوتر ہے۔ کبوتر وقت سے پہلے پہنچ جاتے۔ ہم نے کہا ذرا ان نمازی کو ٹٹولا تو جائے۔ اب جب ہم ان نمازیوں کے قریب گئے اور ان کے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھا تو سمجھ میں آیا، نمازی تو ایک نمبر کے ہیں لیکن اماں سے بول چال نہیں ہے۔ روزے دار ایک نمبر کے، ایک روزہ نہیں چھوٹتا، رجب سے رکھنا شروع کر دیتے لیکن چچی سے بول چال نہیں ہے۔ حج ہر سال کر کے آتے ہیں، چچا کو نہیں جانتے، زکات لٹاتے ہیں، خاندان والوں کو نہیں پہچانتے۔ دیکھیں، معاف کریے گا، یہ کڑوی باتیں ہیں جو سننی پڑیں گی۔ میرے عزیزو یقین جان لیجئے، ایسا مسجد کا کبوتر جو اپنے والدین کا نہ ہو، اپنے رشتہ دار کا نہ ہو، اپنے خاندان کا نہ ہو، اگر کوئی ایسا نمازی ہو، اللہ ایسی نمازیوں کی نماز ان کے منہ پہ مار کے کہے گا، جب تم ان کے نہ ہوئے جن کا تمہیں ہونا چاہیے تھا، میرے کیسے ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ بس میرے عزیزو، جلدی سے ایک جملہ اور سنا دوں، اور میرے عزیزو جلدی سے ایک جملہ درمیان میں آ گیا، اس کو مکمل کر دوں اور وقت اپنے لفظ تک پہنچ جائے گا۔ میرے عزیزو یقین جان لیجئے، کسی مسجد کے کبوتر کو دیکھ کر فوراً یہ نہ سوچ لینا یہی تقوی والا ہے، اور کسی گنہگار کو دیکھ کر یہ کہہ کے دامن نہ بچا لینا، اس کے قریب بیٹھو گے تو یہ گناہ لگ جائے گا۔ پتہ نہیں اللہ کس کی عبادتوں کو کس مرحلے پہ لے جائے۔ میں نے تمہیں ایک رسول تر کا واقعہ سنایا، بڑا گنہگار تھا۔ حال کیا ہوا کہ اپنے مرنے کی خبر مومنین کو کہہ کے گیا کہ فلا جگہ پہ مروں گا، فلا وقت مروں گا۔ یہ ہے تقوی کی وہ منزل، تھا گنہگار مگر عاقبت اتنی اچھی نکلی کہ آج قم جیسی جگہ پہ روزہ بنا ہوا ہے، مزار بنا ہوا ہے۔ لوگ جب جاتے ہیں معصوم قم کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے، گنہگار نہیں ہے، تقوی ہے۔ یہ ہے ظاہراً برا تھا لیکن انجام بالکل الٹا نکلا۔ اب آپ کو ایک دیندار اور سنا دوں تاکہ مجلس اپنے لفظ تک پہنچ جائے، اور جو موضوع ہے اس سے بھی لفظ جڑ جائے۔ ظاہر ہے کہ وقت نہیں بچا اس منزل تک پہنچانے کا۔ مسجد کا مکمل طریقے سے چاہنے والا، یہ واقعہ بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ہندوستانی شہزادہ
यहां से जिस दौर में मुगल सल्तनत थी उस दौर में ये हिंदुस्तानी शहजादा हिजरत करके जो है वो मक्के पहुंच गया, और जब अपने साथ गया तो मक्के में एक अशरफियों की थैली अपने साथ रख के ले गया। नत है अशरफियों की थैली मेरे पास और सफर पे जा रहा हूं, पता नहीं कैसे हालात हो। लिहाजा इसने वहां के मकामी लोगों से मालूम किया कि यहां पे सबसे बड़ा अमीन कौन आदमी है, सबसे बड़ा तकवा परहेजगार नमाजी रोजेदार कौन है यहां पे। तो बतलाया कि यहां पे शेख अब्दुल ताहिर जो है एक पूरे इलाके का अमीन है, अमानतदार है, बड़ा नमाजी है, बड़ा रोजेदार है, उसके पास आप चले जाइए। ये हिंदुस्तानी शहजादा जल्दी से गया। बोर तो नहीं हो रहे आप? असल में पूछना पड़ता है ना कभी, ये हो कि ये तो अपनी ही सुना के चले गए। नहीं, अपनी नहीं सुना रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, जल्दी जल्दी सुन ले। ये कहता है कि मैं शेख अब्दुल ताहिर के पास गया, मैंने कहा सरकार आपका इस इलाके में नाम सुना है, आप एक नंबर के अमीन हो, आप एक नंबर के नमाजी हो। सरकार मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, ये अमानत लेके मैं बाहर नहीं जा सकता, तल्फ हो सकती है, खत्म हो सकती है, लिहाजा ये अमानत बतौर अमानत आपके हवाले करके जा रहा हूं। ये हिंदुस्तानी शहजादा कहता है कि यह अमानत मैं बतौर अमीन बना के शेख अब्दुल ताहिर के हवाले कर गया, इलाके का अमीन है, इलाके के जो है वो तकवे वाला है। ये कहता है कि मैं जरूरी काम से सफर पे चला गया, सफर से जब वापस आया तो ऐसी खबर मेरा इंतजार कर रही थी कि जिस खबर को सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जैसे ही मैं मक्के में पहुंचा मुझे पता लगा कि शेख अब्दुल ताहिर इस दुनिया से जा चुके, मर चुके। ये कहता है वो क्या मरे, मैं मर गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या मरे, जान हमारी निकल गई। इतनी अहम तरीन अमानत, मेरी पूरी जिंदगी उसी थैली में बंद है, और मैं शेख अब्दुल ताहिर के हवाले करके गया, वो सरकार चल बसे, अब करे तो क्या करे। ये जल्दी से मरहूम के घर पे पहुंचा और मरहूम के पसमानदगान से और अजीजों अकारिब से मिला, बेटों से मिला कि भैया तुम्हारे बाबा जान कुछ अमानत जो है वो छोड़ के गए हो तो बतलाओ। काबा जान गए, ये संदूक छोड़ के गए, देख लीजिए अगर आपकी अमानत मिले। उन्होंने जल्दी से संदूक खोला, उस संदूक में वो अमानत ना मिली। अब ये करे क्या मेरे अजीजों, इस मंजिल पे अगर मैं, जिस मंजिल पे आया हूं, इस मंजिल पे अगर मुझ जैसे खतीब को मौका दिया जाए तो अशरे दरकार है। तवज्जो चाह रहा हूं, गुरेज कर रहा हूं तकरीर को। ये जुमला कह के ये कहता है कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन जाहिर है कि जब इंसान के पैरों तले जमीन निकल जाती है, कोई चीज काम आए ना आए, यह फर्श अजा काम आता है। फर्श अजा पे कहता है, कहता है मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं, लेकिन ये कहता है कि मैं फर्शे अज़ा पे गया था, फर्शे अज़ा पे मुझे बतलाया जा रहा था कि अगर जब कोई मरता है तो मरने के बाद उसकी रूह या तो वादी सलाम चली जाती है या वादी बरहूत चली जाती है। ये कहां पता लगा? फर्शे अज़ा पे। अब तो समझ में आया, जब भी फर्शे अज़ा पे आओ अकेले ना आओ, अपने साथ बच्चों को लेके आओ, अपने साथ अपने चाहने वालों को लेके आओ। एक बाप की इसाले सवाब की मजलिस से एक जुमला कह दूं और इस मजलिस का सवाब मरहूम को पहुंच जाए, कायनात में जितने ही इसाले सवाब है सबका सवाब अलग है, मजलिस का सवाब बिल्कुल अलग है। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या मतलब, का कुरान पढ़िए, सवाब देने के लिए जिब्रील आएगा, नमाज पढ़िए, नमाज लेने के लिए मलक आएगा, लेकिन फर्श अज़ा ऐसी दर्जगाह आप मरहूम के लिए बिछा दीजिए, फातिमा खुदा दी है हमारे आंसुओं को लेने के लिए, इससे बेहतर इसाले सवाब नहीं हो सकता। ये कहता है, कहने लगा कि मैंने मजलिस में सुन रखा था कि जैसे इंसान के जिस्म से रूह निकलती है वो या तो वादी सलाम या वादी बरहूत, अच्छी रूह है वादी सलाम, बुरी रूह है वादी बरहूत में चली जाती है। इस जुमले पे अमीर कायनात का वो जुमला याद कर लीजिएगा, अमीर कायनात ने ये जुमला मकाम शिकवा पे भी ये जुमला कहा है। अमीर कायनात, मैं तुम्हारी हर जगह पे मदद करूंगा मगर आलम बरजक की तैयारी तुम्हें खुद करके आनी है।
आलम बरजक कौन है? आलम बरजक वही वक्त है हमारे मरने से लेके कयामत तक के दरमियान का जितनी भी जिंदगी है इसको आलम बरजक कहा जाता है। हमारी रूहें वहीं रहती हैं। ये कहता है कि अब मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन इलाके का अच्छा आदमी था, मेरे जहन में सवाल आया अच्छा आदमी है, इलाके का नमाजी रोजेदार अमीन है एक नंबर का, जाहिर है कि इसकी रूह वादी सलाम में मिलेगी। ये कहता है मैंने जल्दी से सामान सफर बांधा, नजफ पहुंच गया, नजफ से मिला हुआ जो कब्रस्तान है उसको वादी सलाम कहा जाता है। बाज लोग जो है हरमे इमाम को भी वादी सलाम कहते हैं, और हो सकता है वो जहां पे मुश्किल कुछ आ जाए वहां पे मुश्किलें करीब नहीं आती है। ये कहता है कि मैं जल्दी से अमीर कायनात के रोजे पे गया, जियारत की, और जियारत करने के बाद जाके कब्रस्तान में बैठ गया, और कब्रस्तान में बैठने के बाद मैंने आवाज दी या शेख अब्दुल ताहिर। अब ये आवाज लगा रहा है अगर कोई हो तो चले। ये कहता है कि मैं ढूंढ ढांढ के फिर आया, एक दिन दो दिन दस दिन पंद्रह दिन गुजर गए, मुझे शेख अब्दुल ताहिर नहीं मिलता। अब ये जो नजफ के मुजाविर हैं, नजफ के जो खुद्दाम हैं, इन्होंने जब मेरा ये रोजाना का मामूल देखा तो मेरे करीब आए, करीब आके कहने लगे भाई तुम अजीब टाइप के आदमी हो। ज्यादातर नजफ में दो तरीके के लोग आते हैं, या तो कुछ लोग ज्यारत करने के लिए आते हैं, या कुछ यहाँ मदरसे में जो है वो तालीम हासिल करते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं वो ज्यारत करके चले जाते हैं, जो जायरीन आते हैं वो ज्यारत करके चले आ, लेकिन तुम अजीब आदमी हो, ज्यारत यहां करते हो, बैठते कब्रस्तान में, खैरियत तो है? कहने लगा बस खैरियत क्या है? बस खैरियत ये है मैं अपनी पूरी जिंदगी एक के हवाले कर गया था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा पारसा था, उसे तीन दिन से बुला रहा हूं वो मुझे नहीं दिख रहा है। नजफ के मुजाविर ने कहा कि तुमने इतने दिन यहां तो ढूंढ लिया, जरा एक मरतबा वादी बरहूत में भी चले जाओ, जैसे अच्छी रूहे वादी सलाम में रहती है वैसी बुरी रूहे वादी बरहूत में रहती है। ये हिंदुस्तानी शहजादा कहता है खबरदार कैसी बातें करते हो, इतना बड़ा नमाजी, इतना नंबर का रोजेदार, पूरे मक्के वाले उसको नमाजी कह के पुकारते थे, अमीन कह के पुकारते थे। ऐसा आदमी अगर वादी बरहूत में जाएगा तो कायनात में कोई ना जाएगा जन्नत में। कहने लगा मुजाविर नजफ का मैं कह नहीं रहा हूं कि वो वादी बरहूत में मिलेगा, लेकिन तुमने यहां ट्राई कर ली, यहां तो नहीं मिला, अब जरा वादी बरहूत जाके देख लो। ये कहता है इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ना था, मैंने सामान्य सफर बांधा, नजफ से यमन पहुंचा, यमन के कब्रस्तान में वादी बरहूत में पहुंचने के बाद मैंने आवाज दिया शेख अब्दुल ताहिर। जैसे ही आवाज दी जला हुआ आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया, मैंने कहा जी बतलाइए, मैंने कहा मैंने शेख अब्दुल ताहिर को बुलाया, आप कहां से आ गए? कहा जी शेख अब्दुल ताहिर की बात तू कर रहा है वो मैं ही हूं, इस रुख से तकरीर सुनी हो तो दुआ ना दीजिएगा, अगर अलग रुख से तकरीर हो रही हो तो दुआ दीजिएगा, जी शेख अब्दुल ताहिर की तू बात कर रहा है वो मैं ही हूं। ये हिंदुस्तानी शहजादा कहता है मैंने जले हुए आदमी को जैसे वादी बरहूत में देखा, मेरे मुंह से बेसाख्ता ये जुमला निकला कि अल्लाह आदिल नहीं है, शेख अब्दुल ताहिर खबरदार ऐसी बातें ना करना, मेरे अल्लाह के लिए अल्लाह आदिल है, अल्लाह जालिम नहीं है, कैसी बातें करता है? कहा इतना बड़ा नमाजी वादी बरहूत में पहुंच गया। कहा देखो वो बात जाने दो, जब मैं मरने के बाद आलम बरजख में पहुंचा तो मुझे हर सवाब की जजा अल्लाह ने मेरी सोच के ज्यादा दी, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा मुझे दिया, और मैं उस सवाब का हकदार हूं। लेकिन इत्तेफाक से मैंने पूरी जिंदगी तीन गुना ऐसे कर लिए थे कि जिसका वजन बिल्कुल ऐसे था जैसे उड़ते हुए परिंदे के पर में कोई छोटी सी कंकरी बांध दे, परिंदा पर के बावजूद उड़ नहीं पाता एक मामूली सी कंकर से। कहता है मुझे अमल तो मिला, जजा तो मिली, लेकिन तीन गुना ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से मुझे अपने आमाल की जजा मिलेगी, लेकिन पहले ये सारे के सारे मामलात जो मैंने किए पहले इसकी सजा मिलेगी। पहुंचे वहां तक, अब तारीख कहती है कि ये जल्दी से हिंदुस्तानी शहजादा कहने लगा चलो छोड़ो ये सारी बातें,
जल्दी से बतला वो अमानत कहां गई जो मैंने तुम्हारे हवाले की थी। ये कहने लगा कि हाँ वो अमानत तूने मेरे हवाले की थी, चूंकि मुझे अपने बच्चों पे इत्मीनान न था, मैं ये सोच रहा था मेरे मरने के बाद मेरे बेटे तेरी अमानत को तल्फ कर देंगे, खत्म कर देंगे। तेरी अमानत मैंने बहुत संभाल के रखी है, तू मेरे घर पे जा, और घर पे जाने के बाद मेरे सहने खाना से 50 कदम पीछे हटने के बाद गड़ा खोदना, वहां तेरी अमानत मिल जाएगी। ये हिंदुस्तानी शहजादा दौड़ा दौड़ा मरहूम के घर पे पहुंचा, सहने खाना से 50 कदम दूर जो है वो गड़ा खोदा, इसको अमानत मिली। जैसे ही अमानत मिली अपना मोहसिन याद आया, पहुंचे वहां तक। जैसे ही अमानत मिली अपना मोहसिन याद आया कि इसने तो मेरी अमानत मुझे दे दी, अब मेरा भी फर्ज बनता है मदद करूं। ये कहता है मैं जल्दी से वादिये बरहूत पहुंचा, मैंने फिर आवाज लगाई, शेख अब्दुल ताहिर मालूम जला हूं, बतलाओ मुझे अमानत मिल चुकी है, ये बतलाओ ये तुम्हारे 3 गुनाह कौन से हैं। बस मजलिस खत्म हो गई, किसी और मौके पे फजाइल सुनाएंगे। ये कहता है कि वो 3 गुनाह कौन से हैं, कहता है मेरा सबसे पहला गुनाह ये है, सिर्फ इन 3 चीजों को घर तक ले जाइएगा मजलिस का हक अदा हो जाएगा। कहता है मेरा पहला गुनाह यह था कि मैंने 1 दिरहम गैर मुस्तहक को दे दिया था। सोचिएगा कभी, 1 दिरहम गैर मुस्तहक को दे दिया था। खुम्स निकालते हैं ना, ज़कात निकालते हैं, फितरा निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, जैसे निकाल लेते हैं ना कितना बड़ा जो है वो सीना हो जाता है, हमारी निगाह में तो मुस्तहक नहीं है। अरे आप कब से हो गए भैया किसी को मुस्तहक बनाने वाले, किसी को गैर मुस्तहक बनाने वाले आप कैसे हो गए? आपका फितरा है तो आपकी निगाह में आपके रिश्तेदार मुस्तहक, जिसको चाहे उसको मुस्तहक बना दो। याद रखिएगा ये जुमला, आपकी जेब से निकलने वाला ज़कात फितरा किसी भी तरीके का वो हक कि जिसके ऊपर अल्लाह का हक हो जाए, अब इस पे तुम्हारी नहीं चलेगी अल्लाह की चलेगी। अल्लाह जिसको कहेगा वो मुस्तहक है, जिसको कह देगा वो गैरे मुस्तहक है। लिहाजा अपने एतबार से मुस्तहक ना बनाओ, जमाने में मुस्तहक ढूंढो। सिर्फ नहीं है, फितरा मुस्तहक तक पहुंचाना यह जिम्मेदारी है। खुम्स निकालना ही मुस्तहक नहीं है, खुम्स मुस्तहक तक पहुंचाना यह भी जिम्मेदारी है। वरना बहुत सारे ऐसे भेड़िए हमारे समाज में आ गए हैं जो खुम्स और ज़कात के नाम पे बहुत आगे चले गए हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए, वो भी गुनहगार हैं, कहीं ना कहीं हम भी गुनहगार हो सकते हैं अगर हमने 1 दिरहम गैर मुस्तहक को दे दिया। हमेशा मुस्तहक तलाश करिए। कहता है मेरा पहला गुनाह यह था, मैंने 1 दिरहम गैर मुस्तहक को दे दिया। का दूसरा गुनाह? कहता है मेरा दूसरा गुनाह यह है कि 1 मर्तबा मेरी बस्ती में एक आलिम दीन आए हुए थे। अब जाहिर है बस्ती में मौलाना आए हुए थे, आलिम दीन आए हुए थे, लेकिन मैं चूंकि उस इलाके का नमाजी 1 नंबर का था, रोजेदार 1 नंबर का था, मुत्तकी तकवे में 1 नंबर का था, पूरा इलाका मुझे जो है वो आप जनाब कह के सलाम करता था। जैसे ही वो आलिम दीन मेरी बस्ती में आए, जब मैं उनके नजदीक चला तो चलते चलते 1 कदम मेरा आलिम के कदम से आगे रखा गया। 1 कदम। अब कोई इस वाके का मकसद यह हरगिज ना निकाल ले कि मौलाना के आगे नहीं चलना, रास्ता भी दिखाना हो तो पीछे ही से लेफ्ट राइट बोलिए, आगे नहीं चल सकते मौलाना ने मना किया, नहीं। गुरूर और तकब्बुर के लिहाज से सीना चौड़ा करके, अपने तकवे का पासो लिहाज करके, अगर आलिम दीन से 1 कदम आगे भी बढ़ गए तो हाल अब्दुल ताहिर का होगा। रुकू है इस मकाम पे, जब 1 कदम अब्दुल ताहिर के बराबर पहुंच गया तो यह हाल हो गया। अगर कोई पूरा गिरो हमारे मुस्तहदीन के खिलाफ बोले,
क्या होगा? बस जल्दी से, आलिम के कदम से रखा गया, कहता है जल्दी से तीसरा गुनाह बतलाओ, और मजलिस खत्म हो गई। कहा मेरा तीसरा गुनाह यह है कि मैं मक्के में जो रहता हूं, मैं मक्के का रहने वाला नहीं हूं, मैं असल खुरासान का रहने वाला था, और खुरासान में मैं इसी तरीके से नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था। लोगों ने, खुरासान वालों ने मुझसे कहा कि कब तक तुम यहां पर नमाजें पढ़ते रहोगे? अगर तुम्हारी ये इबादत खाने काबा में जाके हो तो वाकई कुछ बात ही अलग है। मैं सवाब अपना ज्यादा करने के चक्कर में कि जब खुरासान में नमाज का ये हाल है, खाने काबा के करीब जाके पढ़ूंगा तो मेरी नमाजों का और ज्यादा सवाब होगा। पता नहीं जुमला कहां तक पहुंचा। अपने सवाब को बढ़ाने के लिए, अपने सवाब को बढ़ाने के लिए मैंने हिजरत कर ली खुरासान से मक्का। और जब मैं खुरासान से मक्का चलने लगा, मैंने अपने वालिदैन से कहा कि चलिए आप भी, क्योंकि मैं अपनी इबादतों में और ज्यादा लुत्फ चाहता हूं। वालिदैन ने हमसे कहा, भैया ले दे के पूरी कायनात तुम ही हो और तुम ही हमें छोड़ के जा रहे हो, हम वहां जाएंगे पता नहीं हमारा क्या हाल होगा, ऐसा करो खुदा के लिए यहीं पर रुक जाओ, कितने दिन की जिंदगी बची है, हमारे मरने के बाद तुम अपनी इबादतों को संभाल लेना। शेख अब्दुल ताहिर कहता है, मेरे वालदैन मुझसे कहते रहे हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। मैंने कहा तुम्हें रहना है यहां रहो, लेकिन मैं उनको नाराज करके मक्के में अल्लाह को खुश करने आ गया। बोलिए ना बोलिए, तवज्जो चाह रहा हूं, अपने वालदैन को नाराज करके मक्के में चला या इबादत के लिए, अल्लाह को यह अमल इतना नापसंद लगा, जब तुम अपने वालदैन के ना हुए तो मेरे कैसे हो जाओगे? याद रखना, फर्श अज़ा पर बैठने से पहले सोच लेना वालदैन को नाराज करके तो नहीं आयो, अलम उठाने से पहले देख लेना किसी का हक तो नहीं दबाया, अंजुमनों में मातम करने से पहले देख लेना चचा की गीबत तो नहीं की, वरना हाल यही होगा। ये कहता है अपने वालदैन को मैं छोड़ के यहां आ गया। अल्लाह ने कहा मुझे ये अमल नापसंद लगा जो अपने वालदैन को नाराज करके किया जाए। बस एक जुमला कह के मैं मजलिस मुकम्मल करता हूं। मेरी कौम के नौजवानों याद रखिएगा, हमेशा तकवा, रजाए परवरदिगार और अल्लाह और मौला की मर्जी उस वक्त तक न मानिएगा जब तक रजाए मखलूक ना हो जाए। बंदों को नाराज करके बंदगी नहीं होती, बंदों को खुश करके अल्लाह की इबादत होती है। हर साल ज्यारत पे जाना कमाल नहीं है, लेकिन ज्यारत पे हलाल गजा से जाना, हलाल कमाई से जाना, वरना जरी चूम जरूर लोगे मगर जवाब सलाम नहीं आएगा। मैं नहीं बोल पा रहा हूं इस मौके पे क्योंकि मुझे माफ करिएगा। अगर नियत में खुलूस हो तो जरी पकड़ के भी मांगोगे तो नहीं मिलेगा, और अगर नियत में लाहियत परवरदिगार हो, यहां से बैठे मांगो जरी से आवाज आएगी। नहीं समझे तो ऐसे समझिए, जब 20 सफर को चेहलम वाले दिन हुसैन का चाहने वाला जाबिर जब करबला पहुंचा है और अपने आप को मख्तल के दरमियान ले जाके खड़ा करता है तो कहता है कि मैं मख्तल में खड़ा हो गया, मेरे गुलाम ने मुझसे कहा
कि आका समझ में नहीं आ रहा है कि हुसैन की, हुसैन का कब्र कहाँ है, हुसैन का मज़ार कहाँ है, हुसैन की कब्र कहाँ, हर तरफ लाशें ही लाशें। जाबिर ने आवाज़ दी, परेशान न हो, ये कमाल हमें हमारे मौला ने सिखाया है, मुझे सिम मख्तल में ले जा के खड़ा कर दो, मैं पहचान जाऊँगा मेरा हुसैन कहाँ है। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मख्तल में खड़ा हो के कहता है, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अचानक कब्र से आवाज है, वालेका सलाम या जाबिर, ए जाबिर तुम पे भी हुसैन का सलाम हो। इसका मतलब ये नियत में खुलूस हो। हुसैन जवाब सलाम देते हैं, जाबिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद अपने आप को हुसैन की कब्र पे गिरा के कहने लगा, मौला मुझे माफ करिएगा, मुझे बहुत देर में पता लगा, मौला वरना मैं करबला के मैदान में हर तरीके से आपके ऊपर जान कुर्बान करता। जाबिर बैल कर रहे थे, अचानक कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबिर हट जाओ, इसलिए कि मेरी बहन आ रही। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सुल्तान करबला के। ऐसे ना रोइए, शहजादी ने मुझे शहनशाह मसायब का लकब दिया है, उस जुमले की मुझे याद रखनी है, अगर रोना ना आया करे सर को नीचे कर लिया करो, सर को नहला लिया करो, और खालिक से दुआ किया करो कि परवरदिगार इलाकों में इतना पानी भर दे, जब भी निकले बना में हुसैन निकले, अगर जब भी आंसू ना आए, जब भी नमाज पढ़ा करो, एक दुआ ये भी मांगा करो, ए परवरदिगार क्या हमारे गुनाह इतने बढ़ गए, हुसैन की मजलिस में गया एक आंसू रूमाल जहरा में लग गए। रोने में शर्माया ना करो, रोने में हिचकिचाया ना करो, रोने से इंसान के चेहरे बदसूरत नहीं होते, खूबसूरत होते। रोजे महशर उन्हीं चेहरों से नूर टपकेगा जो चेहरे आज हुसैन के गम में रो रहे। बस मेरे अजीजों एक रिवायत सुनानी है और मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। मेरे अजीजों इंसाफ से बतलाइए, करबला की सारी मुसीबतें एक तरफ, मगर एक मुसीबत एक तरफ ये है, आप मुझे इंसाफ से बतला, जब कोई भी अजीजो अकारिब जब परदेश में जाता है और परदेश से जब वापस आता है, उसके वतन वाले उससे मिलते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसे पहचान लेते हैं, लेकिन हाय रे सैयद सज्जाद, जब करबला के बाद वापस आए मदीने का कोई भी आदमी सैयद सज्जाद को पहचान लेते। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सुल्तान करबला के। बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी। रिवायत कहती है जब ये काफला मदीने आया है तो तारीख कहती है ये काफला जब मजारे नबी पे पहुंचा तो मजारे नबी पे पहुंचने के बाद हर एक बीबी बोली, ज़ैनब न बोली, कुलसुम करीब आई, करीब आके कहती है ए बहन ज़ैनब तुमने तो कहा था नाना के रोजे पे ये कहूंगी, क्यों नहीं बोलती। अचानक ज़ैनब ने बोलना शुरू किया, ए नाना हर एक जुल्म पछताएगा जो ज़ैनब पे नहीं हुआ, लेकिन नाना ज़ैनब हर एक जुल्म भूल जाएगी मगर ये जुल्म कब्र तक ना भूलेगी। ज़ैनब वो कौन सा जुल्म है जिसको तू कभी ना भूलेगी। ज़ैनब ने आवाज दी, ए नाना करबला से लेके शाम तक अली अकबर का कातिल 9 दफा मेरे सामने आया और मुस्कुरा के कहता था मैंने तेरे अकबर को मारा है, मैंने तेरे। अल्लाह अकबर, शर्माओ नहीं, अल्लाह तुम्हारे गिरिये को कबूल करे। बीबी आ जाइए, या ज़दार आमादे गिरिया हो गए, रोने में शर्माया ना करो। अगर मौत भी आ जाए तो शहादत का दर्जा मिलेगा। अपनी जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के मैं भी पढ़ता हूं, अपनी जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के रोया करो, पता नहीं ये मौका कभी मिले ना मिले। इधर ज़ैनब ने बैन किए और ज़ैनब के बैन करने के बाद उधर से उम्मुल बनीन सैदानियों के झुरमुट में आई है और आने के बाद जनाबे फातिमा के रोजे पे आके कहती है बीबी मेरा पोता नजर नहीं आ रहा, मेरा ज़ैनुल अबा नजर नहीं आ रहा,
मेरा सैयद सज्जाद नजर नहीं आ रहा, कब्र फातिमा से कोई आवाज ना आई। हसन क्या तुमने मेरे पोते को देखा है? सैयद सज्जाद नजर ना आए। अचानक उम्मुल बनीर जब मजार हसन से चलने लगी, एक बुजुर्ग इंसान जमीन पे बैठा हुआ, उम्मुल बनीर ने पूछा, ए बुजुर्ग क्या तूने मेरे सैयद सज्जाद को देखा? अचानक बुजुर्ग उठे, अरे दादी अम्मा मैं ही आपका, ए दादी अम्मा मैं ही आपके सैयद सज्जाद हूँ। सैयद सज्जाद खड़े हुए, अरे बेटा ये तेरा क्या हाल हो गया? कहा दादी अम्मा पूछिए ना, जब से पुपी के सर से चादर छिनी है मेरे सर के बाल सफेद हो गए, मेरी कमर झुक गई। बस इतना सुनना था, उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, चाहती है कि सैयद सज्जाद को गले लगा। सैयद सज्जाद पीछे हटके गए, दादी ऐसा ना करना, अरे तो के खारदार सज्जाद के अकानों में डाला गया। अचानक उम्मुल बनीन ने आवाज दी, अली कनीज की आवाज पे लब्बैक कहो। अब्बास ने वफा न की, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, दादी अम्मा ऐसा न कहिए, चचा के सर पे गुर्ज लगा, चचा के शाने कटे, तब जाके बाबा मारा गया। तब उम्मुल बनीन ने एक जुमला कहा, ए बेटा सज्जाद ये तो बताओ, जब मेरे अब्बास के शाने कट गए थे, जब अब्बास घोड़े से नीचे आया था, अरे जब भी कोई घोड़े से नीचे आता है अपने हाथों को टेक लेता है, हाय रे अब्बास के पास हाथ नहीं थे। अचानक फातिमा की आवाज आई, उम्मुल बनीन ऐसा न कहो, जब अब्बास नीचे आ रहा था ये दुखी यारी मां अपने लाल को लेने के लिए वहां पे पहुंच गई और आवाज दी, अब्बास तू अली का बेटा है, तू फातिमा का। वाह हुसैना वाह मजलूमा वाह गुरबता वाह लिया वाह हुसैना वाह सुकैना। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद आले मोहम्मद का इस मजलिस के फ़ज़ाइल व मसाइब का सवाब मरहूम की रूह को इनायत फरमा। मरहूम को जवारे मासूमिन में आला जगह इनायत फरमा। मरहूम की तरफ से तमाम कार्य खैर होने को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हाज़रीन मजलिस की तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करान उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान अहले बैत को निस्तो नाबूद फरमा। मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। हमारे इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम उनके आवान अनसार में शुमार फरमा। आप हज़रात सल्तमा से एक मरतबा सूरह अलहम तीन मरतबा सूरह तौहीद की तलावत फरमा कर मरहूम मकफूर खादिम अली बिन मासूम हुसैन की रूह को इसाल फरमा। कसीना